शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय छः शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय छः पवित्र संदूक का यरूशलेम में पहुंचाया जाना। फिर दाऊद ने एक और बार इसराइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नाम स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रखने वाले अबिनादाब के घर से निकाला और अबिनादाब के उज्जा और अहियो नाम दो पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबिनादाब के घर से बाहर निकाला और अहियो संदूक के आगे आगे चला और दाऊद और इसराइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा सारंगिया डप डमरू झांझ बजाते रहे। जब वे नाकून के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था और उसने उस स्थान का नाम पेरेसुज्जा रखा। यह नाम आज के दिन तक वर्तमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहां क्यों कर आए? इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहां दाऊदपुर में पहुंचाना न चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहां पहुंचाया और यहोवा का संदूक गति ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब यहोवा के संदूक के उठाने वाले 6 कदम चल चुके तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सन्मुख तन मन से नाचता रहा। यो दाऊद और इसराइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था तब शाऊल की बेटी मिकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सन्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना और लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। और दाऊद ने यहोवा के सन्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। तब उसने समस्त प्रजा को अर्थात क्या स्त्री क्या पुरुष समस्त इस्राएली भीड़ के लोगों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए। तब दाऊद अपने घर को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इसराइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की लौंडियों के सामने
ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने की संति तुझको चुनकर अपनी प्रजा इसराइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सन्मुख मैंने ऐसा खेला और मैं यहोवा के सन्मुख इसी प्रकार खेला करूंगा और इससे भी मैं अधिक तुच्छ बनूंगा और अपने लेखे नीच ठहरूंगा और जिन लौंडियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदरमान करेंगी और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक उसके कोई संतान न हुआ।